जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मबेन मैच खेला जाना था। मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले ही न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट ने मैच खेलने से ये कहकर इनकार कर दिया कि हम सिक्योरिटी की वजह से ये मैच नहीं खेल सकते। बस वक्ती तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। अब इस मुश्किल हालात में क्रिस गेल मैदान में आ गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में कोई भी मसला नहीं था, लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में क्रिस गेल ने ट्वीट किया कि मैं सुबह पाकिस्तान आ रहा हूं। क्रिस गेल ने ये कहकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का उनको कोई भी खतरा नहीं था। वैसे तो मुश्किल हालात में बहुत से खिलाड़ी पाकिस्तान का साथ देते हैं, लेकिन आज वेस्ट इंडीज के ओपनर बैट्समैन क्रिस गेल, जिन्हें यूनिवर्स बॉस के नाम से जाना जाता है, वो मैदान में आ गए। हमारी आज की छोटी सी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और क्रिस गेल के लिए कोई अच्छा सा जुमला कमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।